दोस्तों सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से फ़ोन में बैटरी 4 से 5 दिन यूज़ कर सकती हो। एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारे आपको सेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे और एक्सेसिबिलिटी में कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं, अगर उन सेटिंग्स को फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी में कर लेती हो फ़ोन में बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, बैटरी बैकअप इंक्रीज होगा और बड़ी आसानी से फ़ोन में बैटरी को 4 से 5 दिन यूज़ कर पाओगे। आज इस वीडियो में फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी में कुछ हिडन सेटिंग्स बताऊंगा, अगर उन सेटिंग्स के बारे में जानना चाहती हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ ज़रूर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी हो सके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में किए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए एंड्रॉयड ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिखकर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों जिस वीडियो में फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी में कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप बढ़ेगा और फ़ोन में बैटरी 4 से 5 दिन चलेगा, अगर उन सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। और उन सेटिंग्स के बारे में बताने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है, ज़रूर से मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना, फेसबुक बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए एडिशनल सेटिंग सेलेक्ट करना है, पूरे यहाँ पर नीचे देखिए एक्सेसिबिलिटी, सभी फ़ोन के सेटिंग में ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है। कुल मिला के फ़ोन के सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी ढूंढ लेना है, एक्सेसिबिलिटी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऊपर देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ से फिजिकल ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है, अगर आप नीचे आओगे देखिए ऑप्शन है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक। दोस्तों फ़ोन में जब भी कॉल आता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, ऐसे में यहाँ पर फ़ोन वाइब्रेशन करता है, रिंग होने के साथ ही नोटिफिकेशन वाइब्रेशन होता है और फ़ोन में कहीं पर भी टच करते हो यहाँ पर टच फीडबैक होता है, वाइब्रेशन फील होता है। तो यहाँ पर देखिए रिंग वाइब्रेशन यहाँ पर क्लिक करना है और इसे फटाफट से ऑफ कर लीजिए, ये तीनों सेटिंग ऑफ करना है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन वाइब्रेशन इसे भी ऑफ कर दीजिए और यहाँ से बैक कीजिए, टच फीडबैक इसे भी ऑफ करना है और ये इसे ऑफ करने से 10 से 15% बैटरी आपके सेफ हो जाएंगे। तो ये सेटिंग ज़रूर से करना है और ये था पहला सेटिंग, पूरे यहाँ से बैक कीजिए, पूरे यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है पावर बटन एंड कॉल्स। दोस्तों जब भी आपके फ़ोन पे किसी का भी कॉल आता है, कॉल एंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन दबाकर स्क्रीन ऑन करती हो, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करती हो रेड बटन के ऊपर दबाकर, ऐसे में बैटरी थोड़ा बहुत तो यूज़ होता ही है, स्क्रीन लाइट ऑन होता है जिस वजह से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पावर बटन एंड कॉल्स, ये ऑप्शन ऑन करना है। स्मार्ट तरीके से कॉल डिस्कनेक्ट करोगे, जब भी आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे पावर बटन को प्रेस करोगे कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन लाइट ऑन करके फिर कॉल डिस्कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके कॉल डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे करने से स्मार्ट तरीके से कॉल डिस्कनेक्ट होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत तो बैटरी सेफ हो ही जाएगा। और ये था दूसरा सेटिंग, फिर देखिए नीचे ऑप्शन है यहाँ पर ही ऑटो रोटेट स्क्रीन, और ये ऑप्शन बहुत सारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, ऑटो रोटेट स्क्रीन इसे ऑफ करना है, इसे ज़रूर से ऑफ कीजिए, जब भी फ़ोन स्क्रीन रोटेट होता है ऐसे में काफ़ी बैटरी बैकग्राउंड में कंज्यूम होता है, बैटरी यूज़ होता है, तो इसे ऑफ करना है। और ये था नंबर 3 सेटिंग, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विजन, विजन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सिलेक्ट टू स्पीक, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और एक्सेसिबिलिटी में ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, बहुत सारे लोग इसे ऑन करके भी रखते हैं ताकि जब भी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आए और मैसेज में क्या लिखा है वो पढ़कर फ़ोन सुनाए, ऐसे में बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है बैकग्राउंड में, ये सिलेक्ट टू स्पीक बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम करता है, जो भी मैसेज आता है वो आपको पढ़ के सुनाने के लिए। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली ऑफ करना है, अगर ज़रूरत हो देन इसे आप थोड़े टाइम के लिए ऑन कर सकते हो लेकिन फिर से इसे ऑफ कर देना है।
तो ये सेटिंग करना, ये था नंबर 4 सेटिंग। और यहाँ से बैक कीजिए और यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है रिमूव एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिमूव एनिमेशन और ये ऑप्शन डेफिनेटली ऑन करना। देखिए फ़ोन में बहुत सारे एनिमेशन आते हैं, फालतू के एनिमेशन होते हैं, जो यहाँ पर वो एनिमेशन बंद हो जाएंगे और बैटरी बैकग्राउंड में कंज्यूम नहीं होगा। बैटरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 30-40% एनिमेशन के अंदर ही सेफ हो जाएगा। ये सेटिंग करना है। और जो आखिरी सेटिंग है यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली, और ये फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। दोस्तों जब भी आप कॉल पर किसी के साथ बातें करती हो, फ़ोन गर्म होता है, जैसे आप कान के पास फ़ोन लेके जाते हो, बातें करती हो, फ़ोन गर्म हो जाता है। अगर आप यहाँ से स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ऑन कर लोगे, क्या होगा यहाँ पर स्पीकर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। जैसे आप कान से हटाओगे, यहाँ पर दूसरे स्पीकर से फिर आपको सुनने को मिलेगा और फ़ोन गर्म नहीं होगा। फ़ोन गर्म नहीं होने की वजह से बैटरी भी डाउन नहीं होगा। जब भी फ़ोन गर्म होता है, जान लीजिए बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस वजह से फ़ोन गर्म होता है। ये सेटिंग आपको ज़रूर से ऑन करना, ये डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ऑन कर दीजिए। और ये 5 से 6 सेटिंग फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी में ऑन करने के बाद, ऑन ऑफ जो भी मैंने आपको सेटिंग्स बताए, ये करने के बाद फ़ोन में बैटरी 4 से 5 दिन आसानी से यूज़ कर पाओगे, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन सभी फ़ोन में होता है। तो मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिकली जब करके देखोगे आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको ये सेटिंग अच्छा लगा, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।